खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान चहलुम के मौके पर दुर्गावती पहुंचे। मंत्री जमा खान जैसे ही दुर्गावती पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इस पर विपक्ष सरकार पर संगीन आरोप लगा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पुलिस की थ्योरी पर गहरे सवाल उठाए हैं। इस पर मोहम्मद जमा खान ने भाजपा के मंत्रियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का मकसद ही है देश को बर्बाद करना। भाजपा को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। भाजपा को कुर्सी मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके पहले एनडीए की सरकार थी तो सब कुछ ठीक था। भाजपा के सीबीआई जांच के मांग पर सीधा वार करते हुए कहा कि भाजपा की बात ही नहीं करनी है। इसके बाद मंदिश का खेला होगा 15। बेगूसराय हत्याकांड में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसके भाजपा के कुछ मंत्री नाराज हैं। छोड़िए रे भाजपा को, आप कहे नाम दे रहे हैं भाई, उनको कुर्सी चाहिए सब ठीक हो जाएगा। आज कुर्सी हम दे देंगे कोई नाराज रहेगा? इससे पहले कोई नाराजगी समझ में आ रहा था तो जहाँ उनका नहीं उसका लोग परेशान किया। ये कोई भाजपा के नाम लेना बेकार आप लोगों को है। तो बीजेपी का मकसद है देश को बर्बाद करना। जो सही काम करता है उसको काम लोग करें नहीं देगा, ये सही बात है। सीबीआई जाँच की मांग।